इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, या अली, क्या कोई ऐसा सदका भी है जो अल्लाह को पसंद नहीं? बस बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि बदतरीन सदका वो है जो इंसान दे के फिर एहसान जताए। याद रखना, इस जमीन पे अल्लाह ने किसी को कम देके इस इम्तिहान में डाला कि वो सबर किस तरह से करता है, और किसी को ज्यादा देके इस इम्तिहान में डाला कि वो अल्लाह के बंदों की मदद किस तरह से करता है। किसी इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो किसी की मदद कर सके। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो इंसानों की मदद कर सके। याद रखना, जो इंसान किसी इंसान की मदद करने के बाद एहसान जताता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है कि इसके गले में लानत का तौक पहनाओ, ताकि रोजे महशर मेरे पास ये बंदा आए तो सबसे मुफलिस और हकीर महसूस हो। और यूं जब वो रोजे महशर आएगा तो अल्लाह उन बंदों को उसके सामने खड़ा करेगा जिस पे ये एहसान करके एहसान जताता था। वो बंदे गमजदा होके अल्लाह की दरबार में फरियाद करेंगे कि ए अल्लाह, हम इस काबिल ना थे कि अपनी मदद खुद कर सकें, तूने इस बंदे को इस काबिल बनाया, ये हमारी मदद भी करता था और हमारे ऊपर एहसान भी जताता था। और उस वक्त वो पछेमान होके रोने लगेगा। अल्लाह उस बंदे को तब तक माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदे माफ नहीं करते जिस पे ये एहसान जताता था। याद रखना, ऐसे इंसान पे अल्लाह लानत भेजता है जो लोगों की मदद करने के बाद लोगों पे एहसान जताते फिरते हैं।